हम लोग गिरफ्तारियां देंगे और वो प्रतिमा जहां थी वो तो करेंगे ही, और ना जाने कब तक हमें करना पड़े, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग बाबा साहब का जब जन्म दिवस होता था 14 अप्रैल के लिए भी हम लोग ने इसी तरह धरना प्रदर्शन हमारे पुरखों ने किया था। मतलब कैसी सरकार है, मैं तो यही सोचती हूँ। जो पताशे बड़ा आंदोलन हुआ था लगवाने के लिए, बहुत बड़ा आंदोलन, छुट्टी के लिए आंदोलन हुआ था। ये कैसी सरकार है, आजादी से लेके अभी तक की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी सरकार में भिन्नता मैं नहीं कर रही हूँ। कैसी सरकार है ये, जो कोई विपक्ष भी दिखा रहा है कि संविधान लेके चल रहा है, और जो पक्ष है मोदी भी बोल रही है हम बाबा साहब के भक्त हैं और हम इनको कोई भी आ जाए आरक्षण नहीं हटा सकता। इतने दुर्भावना है, मतलब आप मुंह में मीठा मीठा और छुरी भोंक दें, ये लोग 85% लोगों के पीठ में छुरी भोंक दें, ये लोग ऐसे हैं। तो इसलिए हम लोग को अपने अधिकार, अपना सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। किसी के प्रति भी नहीं देखना, किसी भी राजनीतिक दल के प्रति नहीं देखना, विपक्ष पक्ष नहीं देखना है कि कोई हमारे लिए करेगा, हम ही को करना है, हमारे ही समाज को करना है, अपने के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने महापुरुषों के लिए सम्मानित जगह दिलवानी है। इस सरकार का अगर आप उनका विचार पढ़ेंगे, उनका मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, उनके विचार पढ़ेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इनके मैनिफेस्टो में SC ST OBC माइनॉरिटी महिला नहीं है। ये लोग बिल्कुल उनको धरातल पे लाना चाहते हैं। जो हमारा समाज थोड़ा सा आरक्षण की वजह से ऊपर उठा था, वो सारे आरक्षण खत्म कर दिए गए और अभी निजीकरण करके हमारे लोगों को फिर से वही मजदूरी बेलदारी पे ला दिया गया। और अब देखिए बाबा साहब की मूर्ति, मतलब मुझे लगता है जब आज़ाद हुए थे तब हम लोगों ने सरकार से एक बार लड़ा था कि हमको बाबा साहब के जन्मदिवस पे हमें छुट्टी दो। उस वक्त भी धरना प्रदर्शन हुआ था, और आज भी 21वीं सदी में भी आज भी यही हो रहा है कि हमारे बाबा साहब को सम्मान पूर्वक जहां वो थे वहां उनको प्रतिमा स्थापित की जाए। आप देखिए ये किस तरह का लोकतंत्र है भाई, जहां इतनी बड़ी आबादी 85% आबादी को निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर, नहीं देखिए निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन वो पीछे तो कर दिया गया ना। लेकिन अगर ये चीज़ आज हम लोग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली, और ये रह के करना पड़ेगा। कैंपस में लगाएगी ना, सरकार ने कहा ना उसी कैंपस में लगाएगा, देखिए बाबा साहब के स्टैचू या गांधी जी के, जितने भी महापुरुषों की हटाई गई है, लगना तो उसी कैंपस में है ना। देखिए लगना नहीं है, मुझे तो ये पता चला है कि संसद के पीछे उसको लगाया गया है, जहां एंट्री पे बाबा साहब का प्रतिमा था वो संसद के पीछे लगाया गया है। ये 85% पॉपुलेशन का, लोकतंत्र का, संविधान की ये हत्या है, और ये अपना मैनिफेस्टो पे, अपने विचारों पे ये लोग चल रहे हैं। ये लोग एकात्मकता को बढ़ावा देते हैं, जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं। ये लोग मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि ये लोग, अगर आप बोलेंगे मुस्लिम कम्युनिटी भी जो होती है उसमें भी एलीट होते हैं, और ये लोग सिर्फ एलीट लेके चलते हैं, जो BJP वाले बिल्कुल एलीट लेके चलते हैं। पुराने टाइम में भी ऐसा हुआ। बड़ा गंभीर आरोप सरकार पे लगाते हैं, सरकार ने 26 अलीपुर रोड बनवाया, जनपद बनवाया, देखिए नागपुर में बनवाया, लंदन में बनवाया, बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थल बनवा दिए इन्होंने। देखिए ये एहसान नहीं किया, 70 साल में नहीं कर पाई, ये कोई एहसान नहीं है। ये हमारी मांग है, ये एहसान नहीं है, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। विदेशों में देख लीजिए, बाबा साहब की मूर्ति किसी भी इंस्टीट्यूशन में घुसते ही उनको प्रणाम किया जाएगा। अगर बाबा साहब वर्ण व्यवस्था के अनुसार पहले पे होते तो अभी तक उनको पूजना मंदिर स्थापित हो गया होता। लेकिन चूंकि बाबा साहब हम लोग के बीच से आते हैं तो इसलिए अभी तक उनका कहा ना कोई नाम लेता है, और अभी भी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। हमारे फूले अंबेडकर, इन लोग का मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। तो आप देखिए अभी भी कितना ज़्यादा जलन है, उस समय बाबा साहब ने कितना सहा होगा, और आज भी अब हम लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो क्या लगता है आप, सरकार जैसे आपने कहा, हमने भी खबर पड़ी कि पीछे की साइड लगा जी कोशिशें लगा दी गई हैं मोदी जी, तो आप इस पे क्या सरकार इस आंदोलन से कोई असर पड़ेगा, आगे कोई बदलाव करेगी? देखिए इस आंदोलन से असर नहीं पड़ेगा तो फिर आंदोलन होगा। हम लोग गिरफ्तारी देंगे, हम लोग जेल भरेंगे। अभी शुरुआत है इसकी। कभी सरकार के कुछ नेता या मोदी जी के सलाहकार कहते हैं संविधान बदल दो, आप बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, जिसका खामियाजा लोकसभा में भुगतना भी पड़ा उसको। देखिए रह करके धीरे धीरे इसे ही जनता को समझ में आता है कि कौन सरकार क्या कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को कांग्रेस से नहीं लड़ना पड़ा, लेकिन कांग्रेस चूंकि दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों के वोट से जीतती थी, इसलिए थोड़ा बहुत उसने किया, लेकिन हम लोग को कांग्रेस से भी बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा। लेकिन अब इस सरकार ने हद कर दी है। मतलब इन्होंने अपना जो इनका था कि जहाँ से जो है जो वर्ग जहाँ था उनको वहीं गिरा दिया जाए,
मतलब अगर आप बताइए, आप बोले तीर्थ स्थल इतने ज्यादा बनवाए, लेकिन अगर आप देखेंगे वहाँ की जो व्यवस्था हमारे लोगों के हाथ में नहीं है, हमारे लोग के हाथ में वहाँ की व्यवस्था नहीं है, तो ये कैसा है? आखिर बाबा साहब के बच्चों को वहाँ कम से कम उस वर्ग के लोगों को तो वहाँ की व्यवस्था में लगाना चाहिए। कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे दिक्कत क्या? बाबा साहब की स्टैचू तो जैसे कहाँ लगी रही है ना, देखिए वहाँ। अरे बाबा साहब की स्टैचू आप उठा, अगर कोई रोड में मंदिर मस्जिद आ जाता उसे भी तो हटाया जाता। कहाँ हटा? मैं कोई भी ना हटा था। नहीं देखिए, नहीं नहीं, मंदिर मस्जिद तो नहीं हटाया जाता है, और बाबा पब्लिक के निकलने के लिए बनाया जाता है। देखिए कोई मंदिर मस्जिद तो नहीं हटाया जाता है, और चूंकि मंदिर मस्जिद से ऊपर है बाबा साहब, उनके विचार उनके संविधान से देश चल रहा है, तो उनकी प्रतिमा हमको सम्मान पूर्वक जहाँ थी प्रतिमा एंट्रेंस पे ही हमें वो प्रतिमा चाहिए। ये हम लोग की मांग है, 85% लोगों की मांग है, महिलाओं की मांग है, SC ST OBC अल्पसंख्यकों की मांग है। पर वो तो पुराने संसद के एंट्रेंस पे है ना, देखिए जहाँ थी प्रतिमा, ठीक है, अब नए संसद पे लगाओ, नए संसद पे हमें एंट्रेंस पे ही चाहिए वो प्रतिमा। तो फिर यही मांग होनी चाहिए ना कि नए संसद में लगनी चाहिए ना, देखिए एंट्रेंस पे वो लगनी चाहिए प्रतिमा, नए संसद में हो पुराने संसद में हो, एंट्रेंस पे वो प्रतिमा होनी चाहिए, सम्मान पूर्वक होनी चाहिए, जैसे था वैसी होनी चाहिए, ताकि हम लोग आराम से जा करके बाबा साहब को हम लोग वहाँ का उनको दर्शन कर पाए। सरकार की पूरी गलत मंशा है ना, जब बाबा साहब की प्रतिमा को उन्होंने वहाँ से हटा दिया तो समझ लो उन्होंने संविधान को किस कदर हटा रहे हैं। और महापुरुषों की उन्हें तो दिक्कत नहीं हो रही। गांधी से मतलब क्या? देखिए गांधी को जिनको लाना है वो गांधी के लिए करे, गांधी को जिनको लाना है वो अपना धरना प्रदर्शन करे। हम लोग का अपने बाबा साहब से मतलब है। आप बाबा साहब की मूर्ति जहाँ थी वहाँ लगाइए, एंट्रेंस पे लगाइए, ताकि जिस हिसाब से हम लोग 14 अप्रैल को जा करके उनके दर्शन करते थे वो चीज़ें हम कर सकें, और यही चीज़ रोकने के लिए सरकार ने पीछे कर दिया है। तो ये उनकी ये बिल्कुल ही मंशा खराब है, और ये बिल्कुल हम लोग को बिल्कुल पीछे लाना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारे प्रतीक को ही, हमारे सम्मान जुन प्रतीक को अगर वो पीछे कर देंगे, मतलब ढकेल देंगे, तो हम लोग को कहाँ ढकेलेंगे? ढकेल ही दिया उन्होंने। 10-15 दिन में बड़ा हो गया ये आंदोलन, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अभी बढ़ेगा। देखिए सरकार को अंदेशा हो या नहीं हो, उनको लगता है वो हर चीज कुचल देंगे, वो हर चीज कुचल देंगे। महिलाओं वो किसानों के लिए बोले थे हम कानून लाएंगे दोगुना करेंगे, क्या हुआ? 3 कानून बिल उनको वापस करना पड़ा, 700 किसान शहीद हुए, करना पड़ा। महिला बृजभूषण का क्या हुआ? उसको कुछ नहीं हुआ। महिलाओं को भी उसी तरह घसीट के बाहर कर दिया गया। आज नीट की परीक्षा दे, आज नीट की परीक्षा देख लिए, कोई भी परीक्षा देख लिए, सब कुछ लीक हो रहा है। NTA लाया गया इसलिए ताकि NTA बनाया गया, अगर आपको पता होगा तो NTA इनकी सरकार में बनाया गया, उससे पहले CBSE सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। तो NTA बना करके हर जगह से ये लोग पैसा निचोड़ना चाहते हैं देश के लोगों से। आज GST लग गया है ऑटो पर, कभी इसके पहले कभी नहीं हुआ, इसके पहले कभी भी नहीं हुआ। संविधान हाथ में लेकर घूम रहे, उसके नाम पर वोट मांग रहे थे, वो इस मुद्दे पे नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए नहीं नजर आ रहे हैं, ये उनकी कमी है, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं, देखिए यही बहुत, जहाँ जनता चलती है वहाँ नेता चलते हैं। अगर बाकी नहीं नजर आ रहे हैं तो इसमें सही बात है कि उनकी भी धारणा सही नहीं है, उनको भी आना चाहिए, यानी उनकी धारणा सही नहीं है। वो भी सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं, लोगों को भुलावा ही दे रहे हैं, लोगों को भ्रम ही कर रहे हैं, पूरे देश की जनता को भ्रम फैला रहे हैं। तो वो लोग भ्रम ही फैला रहे हैं अगर वो यहाँ नहीं है तो। आंदोलन और करा था आप लोगों ने पहले कि जो नया संसद भवन बना है उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए, वो भी आंदोलन आप लोगों का पहले हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा सरकार उस टाइम पे? नहीं, देखिए आप भी शामिल थी उस आंदोलन? नहीं, मैं हर जगह शामिल हूँ, ऐसे आंदोलन में हर जगह शामिल हूँ मैं। देखिए संसद का नाम संसद भवन ही रहेगा अगर, देखिए हम लोगों ने किया, लेकिन इस बार मुद्दा बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है कि हमारे महापुरुषों को उन्होंने प्रतिमा हटाई है, वो भी बाबा साहब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने समतामूलक समाज के स्थापना के सपने देखे, जिन्होंने हक किसी के न्याय अधिकार के लिए बातें की, जिन्होंने सवर्ण महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाए, उनके अंदर कोई भी उनके अंदर किसी के प्रति दुर्भावना नहीं थी, वो सर्व समाज को उन्होंने लेके बाबा साहब अम्बेडकर लेके चले। कहीं संविधान में मिलता है कि इस कैटेगरी के लोगों को ये अधिकार नहीं मिलेगा? जो 12 से लेके 35 तक है वो सबको मिलेगा वो अधिकार, चाहे SC ST हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे महिला हो। पाकिस्तान से हमने दूसरे स्थान पे लगाया, देखिए हमारा प्रोजेक्ट है विस्टा प्रोजेक्ट, हम देख रहे चल ही रहा, तो फिर उसका क्या कार्ड हो गया, हम लोग क्या करेंगे? नहीं, हम लोग अभी स्टार्ट है, हम लोग ने यही बोला है, अभी ये स्टार्ट है, हम लोग जेल भरेंगे, हम लोग